नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ और आप देख रहे हैं हमारा राजस्थान बुलेटिन। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अशोक गहलोत सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को दी बड़ी राहत, बिल से फ्यूल सरचार्ज को किया खत्म। चुनाव से पहले राजस्थान में ईडी की एंट्री, भ्रष्टाचारी डीओआईटी ज्वाइंट डायरेक्टर वेद प्रकाश गिरफ्तार। राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्रों पर लाठीचार्ज, छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर कर रहे थे प्रदर्शन। मुंगेरी लाल हमेशा हसीन सपने ही देखता है, नेता प्रतिपक्ष राठौड़ बोले ये सीएम गहलोत की पुरानी आदत। बूंदी के 63 गांव की सहमति के बिना लाया गया केडीए बिल, बर्दाश्त नहीं सरकार से आर पार की लड़ाई। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक और बड़ी घोषणा करते हुए प्रदेशवासियों को बिजली के बिल में राहत का तोहफा दिया है। प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को अब कम बिल का भुगतान करना पड़ेगा। सीएम गहलोत ने बिजली के बिलों में लगने वाला फ्यूल सरचार्ज पूरी तरह से खत्म कर दिया है। सीएम गहलोत ने कहा है कि फ्यूल सरचार्ज के लिए बिजली कंपनियों को करीब 25,000 करोड़ रूपए दिए जाएंगे। सीएम अशोक गहलोत लगातार ये कह रहे हैं कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। सीएम गहलोत के जादुई पिटारे से मिली सौगात से प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार ने पहले प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में राहत देते हुए 50 यूनिट बिजली फ्री की थी। उसके बाद दूसरी घोषणा में बिजली के बिलों में राहत को और बढ़ाते हुए 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी। अब 100 यूनिट बिजली खर्च करने वालों से कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है, लेकिन सामान्य उपभोक्ताओं से राजस्थान सरकार अनुदान से ज्यादा फ्यूल सरचार्ज और सेस वसूल रही थी। बिजली बिलों में फ्यूल सरचार्ज जोड़कर आने से आम उपभोक्ता को परेशानी का सामना करना पड़ा। बिजली बिलों में फ्यूल सरचार्ज की वसूली को लेकर प्रदेश की जनता में नाराजगी बढ़ने लगी। इस नाराजगी को देखते हुए सीएम अशोक गहलोत ने महत्वपूर्ण घोषणा की। जयपुर में शासन सचिवालय के पीछे योजना भवन स्थित डीओआईटी के कार्यालय में 2,31,00,000 रुपए नकद और 1 किलो सोने की ईंट मिली, जिसको लेकर प्रवर्तन निदेशालय ईडी की राजस्थान टीम ने बड़ा एक्शन लिया। डीओआईटी के संयुक्त निदेशक वेद प्रकाश यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। केंद्रीय एजेंसियां तार खंगालने में जुटी हुई है। वहीं इस पर प्रदेश के सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि मामले की ईमानदारी और निष्पक्षता से जांच हो, हम ईडी की कार्रवाई से नहीं डरेंगे। ईडी ने इसके साथ ही वेद प्रकाश यादव के जयपुर में मुरलीपुरा और उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में ठिकानों पर छापा मारा है। वेद प्रकाश यादव को कोर्ट में पेश करके ईडी ने 4 दिन की रिमांड पर ले लिया है। ईडी अब खोज पड़ताल में जुट गई है कि रुपया और सोना वेद प्रकाश यादव का है या किसी वरिष्ठ अधिकारी या राजनेता का है। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव की मांग कर रहे छात्र नेताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज में 6 से ज्यादा छात्रों को चोटें लगी हैं। वहीं पुलिस ने 5 छात्र नेताओं को हिरासत में भी लिया है। दरअसल शुक्रवार को छात्र नेताओं ने चुनाव कराने की मांग को लेकर राजस्थान यूनिवर्सिटी में सरकार की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया। इसके बाद प्रदर्शनकारी छात्रों ने कुलपति सचिवालय पहुंचकर ताला लगा दिया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे छात्र नेताओं ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से सकारात्मक आश्वासन नहीं मिलने से छात्र नाराज हो गए और उन्होंने जेएलएन मार्ग पर धरना शुरू कर दिया। राजस्थान में विधानसभा चुनाव जीतकर सरकार रिपीट कराने का दावा कांग्रेस लगातार कर रही है। हाल ही में सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस 156 सीटें जीत। इस बयान को लेकर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा, मुख्यमंत्री गहलोत की मुंगेरी लाल बता दिया। उन्होंने कहा कि गहलोत की पुरानी आदत है, मुंगेरी लाल जब सपने देखता है हसीनी देखता है, उसे कोई रोक भी नहीं सकता। राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि साल 2013 में भी गहलोत ने दावा किया था कि सरकार रिपीट होगी। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस 156 सीटें जीतेगी, लेकिन क्या हुआ ये सबको पता है। कांग्रेस मात्र 21 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। गहलोत इस बार भी कितने भी हसीन सपने देख ले, लेकिन कांग्रेस का हाल वही होना है। उन्होंने कहा कि गहलोत कहते हैं कि सरकार रिपीट होगी, पर मैं कहता हूं ये सरकार डिलीट होगी। कोटा, बूंदी और बारा में केडीए का विरोध धीरे धीरे तेज होता जा रहा है। सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष भी तीखे तेवर दिखा रहा है। इस बिल को बनाने और पास करने तक कई आरोप यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल और सरकार पर लग चुके हैं। सत्ताधारी विधायक भरत सिंह तो खुलकर सामने आए हैं और बारा के गांव को केडीए में शामिल किए जाने का विरोध किया है। वहीं बूंदी में भाजपा नेता रूपेश शर्मा ने केडीए के विरोध में जनजागरण अभियान शुरू किया और कहा कि 63 गांव की सहमति के बिना लाया गया बिल बर्दाश्त नहीं और इसे रद्द करना होगा, नहीं तो आर पार की लड़ाई
लड़ेंगे। उन्होंने जिला कलेक्टर के माध्यम से सरकार को 7 दिन का समय दिया है, उसके बाद आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। केडीए बिल के विरोध में बूंदी कलेक्ट्रेट पर बरड़ के ग्रामीणों का विशाल प्रदर्शन हुआ। बूंदी जिले के ग्रामीणों की सहमति लिए बिना तैयार कर पेश किए गए केडीए बिल को लेकर लोगों में रोष है। बिल में शामिल किए गए बूंदी जिले के अंतिम छोर के गांव तक पहुंच गया है। डाबी बरड़ क्षेत्रवासी बूंदी हायर सेकेंडरी स्कूल में एकत्रित हुए, जहां से रैली निकालकर केडीए का विरोध किया गया। यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बिदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बिदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलेटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482127। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। इधर उधर घास चरती भेड़ बकरियां और पेड़ों की छांव में आराम फरमाते गाय, भैंस, कुत्ते और अन्य जानवर को देखकर आप सोच रहे होंगे कि किसी खेत खलिहान का दृश्य होगा, लेकिन इसकी हकीकत जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल ये नजारा जनजाति बहुल डूंगरपुर जिले के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय आम्बियाफला स्कूल का है। राज्य के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए सरकार भले ही बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन डूंगरपुर जिले के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय आम्बियाफला स्कूल के बच्चे आज भी पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ने को मजबूर है। इतना ही नहीं, भेड़ बकरियां और गाय भैंस बच्चों के बीच में बैठ जाती, बारिश आने पर स्कूल की छुट्टी कर दी जाती है। ऐसे में बच्चों की शिक्षा पर बेहद बुरा प्रभाव पड़ रहा है। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय आम्बियाफला में स्कूल भवन जर्जर हालत में होने के चलते बच्चों को पेड़ के नीचे पढ़ना पड़ता है। कक्षा 1 से 8वीं तक के स्कूल में केवल 3 कमरे हैं और उसमें से भी एक कमरा गिर गया है। स्कूल में कुल 158 स्टूडेंट्स हैं। शिक्षक कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चों को 2 कमरों में बैठाकर पढ़ाते हैं। वहीं कक्षा 6 से 8वीं तक के बच्चों की क्लास पेड़ के नीचे लगती है। स्कूल में 10 शिक्षकों के पद स्वीकृत हैं, लेकिन प्रधानाध्यापक समेत 6 पद ही भरे हुए हैं। ऐसे में शिक्षकों की कमी से भी बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। प्रधानाध्यापक और अभिभावक नेताओं से लेकर अफसरों के दफ्तरों के कई चक्कर काट चुके हैं, लेकिन जिम्मेदारों की अनदेखी से बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। राजस्थान में एक बार एक नई नवेली दुल्हन शादी के 11 दिन बाद घर से चली गई। अपने साथ वो घर से नकदी और जेवरात भी समेट कर ले चली गई। इसके बाद परिवादी ने एडवोकेट पंडित रुपेश शर्मा के जरिए आरोपी पत्नी के खिलाफ थाने पहुंचकर केस दर्ज कराया। दरअसल अजमेर जिले के किशनगढ़ इलाके की सिद्धि विनायक कॉलोनी में रहने वाले राजू कुरानी ने मदनगंज थाने में केस दर्ज कराया है। अपनी रिपोर्ट में राजू कुरानी ने बताया कि अजमेर के ही रहने वाले नरेश सिंधी ने उससे और उसके घर वालों से संपर्क किया था। उसने परिजनों को बताया कि हमारे समाज की एक लड़की है, उसकी शादी राजू से करवा देंगे। 19 जुलाई को नरेश सिंधी ने राजू के परिवार से 1,00,000 रुपए लेकर अजमेर जगदम्बा कॉलोनी में रहने वाली सोनिया उर्फ द्रौपदी पुत्री पर असम से शादी करा दी। शादी के 11 दिन बाद 1 अगस्त को सोनिया अपनी मां की बीमारी का बहाना बनाकर घर से चली गई। वो अपने साथ घर में रखे 45,000 रुपए और सोने चांदी के जेवरात ले गई। इस बीच राजू को पता चला कि सोनिया पहले से ही शादीशुदा है। राजू जब सोनिया को लेने उसके घर गया तो उसने आने से मना कर दिया, साथ ही उसे झूठे केस में फंसाने की धमकी भी दी। पीड़ित पति राजू ने और जानकारी जुटाई तो उसे पता चला कि सोनिया और द्रौपदी ने पहले 3 शादियां कर चुकी है। शादी के बाद वो इसी तरह घर से सोने चांदी के जेवरात और नकदी लेकर फरार हो जाती है। राजू कुरानी की शिकायत पर पुलिस ने उसकी पत्नी सोनिया, दलाल नरेश, सिंधी टीकम, लता, नेहा और कविता समेत अन्य सहयोगियों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। किशनगढ़ अजमेर से केपी न्यूज के लिए सनी उमरिया की रिपोर्ट। सर, मेरी शादी के लिए इन्होंने मतलब ना जो सिंधी समाज है हमारा उसके अंदर मतलब इन्होंने अपलोड किया था, तो मेरी शादी का तो एक दलाल का हमारे पास में फोन आया था, दलाल का फोन आया था तो उन्होंने बोला कि अजमेर की लड़की है, बढ़िया है, कुमारी है, ठीक है, और उसकी उम्र बड़ी है,
उम्र बड़ी है यानी मेरी मेरी एज की है, तो उन्होंने बोला कि लड़की बहुत अच्छी है, पहले शादी करना नहीं चाह रही थी, अब वो शादी करने के तैयार है। तो हमने लड़की देखी, लड़की हमारे को पसंद आई। पसंद आने के बाद में दलाल ने, दो दलाल थे जिसके अंदर उन्होंने मतलब 1 लाख रुपए लिए हम लोगों से। और लेने के बाद में ये बताया कि ये जो लड़की है और वो दलाल उसका मामा निकला, ठीक है। और उसके बाद में ये लड़की आई और मतलब ना 11 दिन रही थी, 11 दिन के बाद में ये लोग मतलब दे रहा है। शादी कितने तारीख को हुई थी? शादी हुई थी मतलब इसी इसी मतलब वो 19 तारीख को, कितने दिन तक रही थी यहाँ ये पे? 11 दिन तक रही थी सर। कितने रुपए लेके गई वो? 45,000 रुपये नकद है, 2 चूड़ी है, 1 मंगलसूत्र है, और एक उसने कानों के पहन रखे थे, ठीक है, और बिछुड़ी है, और मतलब ये पाजब है। अच्छा, उसकी पहले कहीं पे शादी हो रखी थी? इसकी 2 शादियां ऑलरेडी हुई हुई थी, जिन जिन्होंने हमारे को बताया नहीं, इन लोगों ने पहले कि हमारी शादी हुई भी नहीं है, ठीक है। ये बाद में पता पड़ा जब इसका आधार कार्ड हमारे पास में आया ना, तो इसके आधार कार्ड में पति का जो नाम है वो मतलब जुड़ा हुआ था। दलाल का नाम है? दलाल का नाम था नरेश, मेरा नाम राजू कुरानी। बांसवाड़ा में मुख्यालय स्थित उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार राजतालाब थानाधिकारी संदीप सिंह प्रोबेशनर आरपीएस द्वारा राजतालाब थाना क्षेत्र के थाना परिसर में सीएलजी सदस्य महिला सुरक्षा सखी व ग्राम रक्षकों की शांति समिति की मासिक बैठक में यातायात व्यवस्था, चोरियां व लूटपाट के मुद्दों पर हुई चर्चा, वहीं महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों पर त्वरित कार्यवाही के सुझाव व अधिकारी द्वारा आश्वासन दिया गया। बांसवाड़ा से धर्मेश तोमपुरा की रिपोर्ट। अलवर राजस्थान में 11 अगस्त को कस्बा रामगढ़ में एकल अभियान श्री हरि कथाकार योजना के माध्यम से 5 दिवसीय रामकथा का भव्य कलश यात्रा निकालकर शुभारंभ किया गया, जिसे कथाकार बहन सुश्री शिवांगी जी अयोध्या जी के श्रीमुख से 5 दिन कथा का वाचन किया। प्रतिदिन कथा दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक रहेगी। हिन्दू समाज के द्वारा यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। रास्ते में ठंडा जल और नींबू पानी आदि की व्यवस्था की गई। कलश यात्रा कस्बे के मुख्य मार्गो से होते हुए कथास्थल अग्रवाल धर्मशाला पर रखी। कलश यात्रा में आसपास के गांव कस्बे रामगढ़ की माता बहनों ने भाग लिया, जिससे 1100 कलश उठाए गए। कलश यात्रा में लगभग 1500 गणमान्य नागरिक, बंधु और महिलाएं शामिल हुई, जिसमें मुख्य वक्ता कैलाश कल्ला विभाग कार्यवाह के द्वारा उद्बोधन किया गया। उद्बोधन पश्चात आज कथा वाचन किया गया। मुख्य बाजार में भाजपा नेता पूर्व सरपंच एडवोकेट देवेंद्र दत्ता के द्वारा शोभा यात्रा पर फूल वर्षा की गई। कार्यक्रम में मक्खन किशोर गोयल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एकल हरि, सुभाष अग्रवाल, गिरधारी मिश्रा, मुकेश अग्रवाल, राजेश निहाला, भगवान सिंह चौधरी, नवरत्न जिला प्रचारक नरेश गोयल, राजवीर गुर्जर, राजीव मित्तल, सैफ गोयल, हीरो अग्रवाल, जवाहरलाल तनेजा, सूर्य स्वरूप शर्मा, जगदीश शर्मा, रामजीलाल जैन, मनीष खंडेलवाल, नवल किशोर शर्मा, नितेश शर्मा, बाबूलाल शर्मा, रमेश जुनेजा, संदेश खंडेलवाल, दिनेश चौहान, निर्मल सूरा, तिलक राज, बाबूलाल मित्तल, संतोष चौधरी, रमन गुलाटी, मदन गोपाल एवं समस्त आयोजन समिति उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन महावीर सिंह दायमा के द्वारा किया गया। अलवर से अमित भारद्वाज की रिपोर्ट। कोटा जिले की बनेटिया ग्राम पंचायत की 5 अगस्त से प्रारंभ राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक का क्रिकेट टीम के फाइनल मैच के साथ समापन हुआ। आज समन्वय समारोह के मुख्य अतिथि हरीश यादव, सरपंच बनेटिया, कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्रजेश महावर, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बनेटिया, विशिष्ट अतिथि पठान जहांगीरपुरा, हनुमान यादव, दिनेश यादव, रामचंद्र यादव, गिरिराज बैरवा, दिनेश यादव, दिनेश शर्मा रहे। पंचायत प्रभारी कन्हैया लाल गोचर ने बताया कि आज के ग्रामीण ओलंपिक में उम्मेदपुरा कॉलोनी की क्रिकेट टीम ने धनवा की टीम को 6 विकेट से पराजित किया। क्रिकेट में उम्मेदपुरा 6 विकेट से विजयी रही। इस प्रकार कबड्डी में महिला टीम बनेठिया, कबड्डी में पुरुष टीम बनेठिया, शूटिंग बॉल टीम बनेठिया और खो खो में खो टीम धनवा विजेता रही। ग्रामीण ओलंपिक समापन समारोह में हुए अतिथियों का साला परिवार व ग्रामीणों द्वारा माला तिलक और साफा पहनाकर सभी का स्वागत किया गया। अतिथियों ने कहा कि खेल की भावना से खेल को खेलना चाहिए और अपनी सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। गांव से ही प्रतिभा निकलकर आती है और आगे बढ़ती है। कार्यक्रम का संचालन शोभा मलमीणा और कन्हैया लाल गुर्जर द्वारा किया गया। कार्यक्रम में लोकेश मीणा व्याख्याता, मनोज व्याख्याता, शंभु मीणा, रमेश मीणा, रामस्वरूप मीणा, युवराज यादव, अशफाक मोहम्मद, शारीरिक शिक्षक उमाशंकर मीणा, राहुल हाड़ा सहित आदि शाला परिवार के बंधु उपस्थित रहे। इटावा से जेके नागर की रिपोर्ट। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अशोक गहलोत सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को दी बड़ी राहत, बिल से फ्यूल सरचार्ज को किया खत्म। चुनाव से पहले राजस्थान में ईडी की एंट्री, भ्रष्टाचारी डीओआईटी ज्वाइंट डायरेक्टर वेद प्रकाश गिरफ्तार। राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्रों पर लाठीचार्ज, छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर कर रहे थे प्रदर्शन। मुंगेरी लाल हमेशा हसीन सपने ही देखता है, नेता प्रतिपक्ष राठौड़ बोले ये सीएम गहलोत की पुरानी आदत। बूंदी के 63 गांव की सहमति के बिना लाया गया केडीए बिल, बर्दाश्त नहीं सरकार से आर पार की लड़ाई।
केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।